बैठते थे क्लब में तो स्टैग एंट्री होती नहीं थी। हाँ यहाँ भी कपल ही एंट्री है, लेकिन एक आया दिमाग में कि चलो अपने खुद के भी एक क्लब किया जाए, तो एक जिम से बिजनेस स्टार्ट किए थे नीचे। तो होते होते एक क्लबिंग का लाइन अच्छा मिला, प्रॉपर्टीज थी, तो हमने कहा फिर अपने क्लबिंग ही चालू किया जाए, ताकि जो फन बोलते हैं कि वेस्ट में है वो फन ईस्ट में होना चाहिए, उस हिसाब से ये किया गया है। क्या बात, अब ऐसा है कि एक तो एम्बियंस है, एम्बियंस के साथ साथ स्पेस है, सिक्योरिटीज है, आपको वो स्पेस और एम्बियंस मिलेगा आपको, ये जो आप दूसरे जगह जाना पसंद करते हैं वो यहाँ आपको देने की पूरी कोशिश करेंगे। सवाल अच्छा है, वो कह रहे हैं कि वेस्ट के क्राउड को ईस्ट में कैसे लाएंगे, अपने मतलब अच्छे से अच्छी क्वालिटी पेश की जाएगी, अच्छी से अच्छी क्वालिटी, खाने अच्छे दिए जाएंगे, ड्रिंक तो आपको मिल जाएगा, लेकिन ड्रिंक के साथ जो आज़ादी स्काई और वो सब मिलना है वो आपको यहीं पर मिलेगी खुले छत के नीचे। यंगस्टर को सर कैसे यहाँ पर आकर्षित करेंगे? ये यंगस्टर के लिए काफ़ी कुछ है यहाँ पर, डीजे नाइट्स, लाइव इवेंट्स और हर चीज़ों से देखते हुए सर्विस प्रोवाइड करेंगे, स्पेस प्रोवाइड करेंगे, और उससे यंग जनरेशन को हम चाहेंगे कि वो आए यहाँ पर और अपने आप को एंटरटेन करें यहाँ पर। जी सर, आपको घबराहट थी या डर था कि यहाँ पर? घबराहट डर तो देखिए कोई भी चीज़ करने जाओ नए बिजनेस में तो अप एंड डाउन और ये चलता है। हमने तो कोविड निकाला है सर, हम तो 2020 में चालू करने वाला था लेकिन कोविड लग गया, और अब कोविड के बाद आज जाके हुआ है। तो अब आप सब आए हैं, इस जगह को और ब्यूटीफुल बनाया है, तो इसलिए तो हमें तो और खुश हो रहा है कि 100% आप लोग का ब्लेसिंग रहा तो चलना ही चलना है। और राखी जी के बिहाफ पर कहूँ तो यहाँ से ईस्ट से लोग वेस्ट जाया करते थे, जब वही चीज़ उनके मोहल्ले में उनके आसपास मिलेगी तो फिर इतनी दूर क्यों जाएंगे। तो यंगस्टर के लिए, यहाँ के जो लोग पसंद करते हैं जाना समझते हैं, मैं समझता हूँ बहुत अच्छा कदम है यहाँ के लोगों के लिए, कि कम से कम आजकल के दौर में कसम खा के कह रही हूँ भैये पेट्रोल इतना महंगा चल लिया है, बताओ वेस्ट कैसे जाएंगे। अब इन्होंने यहाँ पर लगा दिए जितने पेट्रोल में, वहाँ जाएंगे यहाँ आके धूम मचाएंगे। मैं कसम खा के कह रही हूँ राकेश भाई के गुर्दे छील दूँ अगर अच्छी सी सर्विस ना मिली। मैं बहुत तपा बैठा हूँ अपने कंजूस शेर से। जी सर, जी सर, आप लोग का ब्लेसिंग है, ऊपर वालों का ब्लेसिंग है, काफ़ी मेहनत किया गया है, आप सब आए और बहुत बहुत आभार आप सबका, उम्मीद करते चलते रहे आप लोग के दुआओं से। जी जी बिल्कुल चलेगा, और हमारी भी दुआएं हैं, मीडिया आपके साथ है और आपकी सर्विस। जी सर, सुभान अल्लाह, क्या बात है। सर क्या कहना चाहेंगे, आज जो है लॉन्चिंग है, क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? मैं राकेश पांडे जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। ये जो आपका है वाइट फॉरेस्ट, मुझे लगता है इस लोकेशन में ऐसी लोकेशन थी नहीं, लोग तलाश करते थे कि कहाँ जाएं, कहाँ दर्द को ख़त्म करें, कोई तो जगह हो जहाँ बैठकर आराम से सुकून के वो पल मिलें, जहाँ बैठकर दिल की बात कही जाए। तो बहुत बहुत मुबारक है, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस राकेश पांडे जी को, और कसम खा के कह रही हूँ भैये मैं भी टीका के साथ यहाँ पर आऊँगा और अपने पुतने वाले कंजू सेठ पर लानत भेज के कोल्ड ड्रिंक के दो जाम लगाऊंगा। का नाम है व्हाइट फॉरेस्ट, पर हम लोग आई थिंक ब्लैक फॉरेस्ट बन के हैं, सो इट्स अ ग्रेट कॉन्ट्रास्ट। सो जब यहाँ पर सब कुछ व्हाइट 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 होगा तो हम बीच में जाके ब्लैक बन के खड़े हो जाएंगे। एंड यस, इट्स अ क्लब एंड लॉन्च बार, और कौन हो सकता, हमसे बड़ी वाइन कौन हो सकती है? आई डोंट थिंक सो। सो हम यहाँ पर वाइन का तड़का लगाने आए हैं। वो तो आपको मेरी रील से ही पता लग जाता होगा कि मैं कितना बड़ा पार्टी एनिमल हूँ, और वो कहते हैं ना कि कामदेव की साक्षात मेरे ऊपर कृपा है, आई थिंक सो आई एंजॉय ऑल दोज पार्टीज। सर व्हाइट फॉरेस्ट में आया, क्लब का ओपनिंग है, आए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या शुभकामना दें? मैं तो सीधे नासिक से आ रहा हूँ, क्या की बंदा बताओ, ऑल द बेस्ट और मुबारकबाद देना चाहूँगा। हाँ सर, आप क्या कहना चाहोगे, कितनी तैयारी में आओ, जब लग रहा है कि पार्टी करने के मूड में ही आए हो, क्या कुछ कहना चाहोगे? ये मेरे नेक्स्ट सॉन्ग की लुक है, उसमें थोड़ी बियर्ड बियर्ड मैंने बढ़ाई है, और ये पापा का लुक है बियर्ड वाला गदर 2 के लिए,
तो हम दोनों आज हमारे गेटअप में आए बिकॉज पापा कल जा रहे हैं शूट पे और मैं नेक्स्ट वीक जा रहा हूँ शूट पे। और वाइट फॉरेस्ट पूरी टीम को और इनके जो ओनर हैं उनको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। बहुत ही कमाल का सेटअप है, बहुत ही एक गजब की वाइब है, एक एनर्जी है। सो कंग्रेचुलेशंस, इतनी अच्छी प्राइम लोकेशन के ऊपर इतनी अच्छी जो इन्होंने ये लॉन्च स्टार्ट किया है। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू द टीम, थैंक यू। मैं चाहूँगा कि अगर ओनर यहाँ पे करीब में है तो हमारे साथ आ जाए, क्योंकि मैं उनके साथ तस्वीर खिंचवा के फिर फौरन जाने वाला हूँ। एक्चुअली नहीं, आप जैसे देख रहे हैं मैं फिटनेस फ्रीक हूँ, सो मैं ड्रिंक वगैरह नहीं करता हूँ और पार्टीज वगैरह भी बहुत कम करता हूँ बिकॉज डेफिनेटली फिटनेस पे ध्यान देना है तो स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। बट हाँ, जो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो के पार्टीज करना पसंद करते हैं, डेफिनेटली दे आर गोना लव दिस प्लेस बिकॉज इट्स एन अमेजिंग वाइब, अमेजिंग प्लेस। नज़मा जी, थैंक यू सो मच हमें यहाँ बुलाने के लिए, इतनी अच्छी जगह पर बुलाने के लिए। सो या मुझे आज यहाँ आके ये लगा कि मैं आज वापस 16 साल का हो गया हूँ, खास करके तो मीडिया को देख कर कि आज सारी मीडिया यहाँ दुआएं देने आए। राकेश जी, आप यू आर बहुत भाग्यशाली हैं आप कि ये इतने सारे फिल्म के सारे लोग आ गए। मैं समझता हूँ कि इस एरिया के अंदर अंधेरे में ये इतना बड़ा सबसे पहला लॉन्च है कि जो कि फैमिली लॉन्च है जिसको कहना चाहिए, कि इस तरीके के अभी होया नहीं। पब बहुत से हैं हमारे यहाँ लोखंडवाला वगैरह में, पर फैमिली कम लगते हैं, मगर यहाँ आके ऐसा लगा कि आप अपनी फैमिली को भी लेके आ सकते हैं। ये लॉन्च के नाम से बहुत ही प्यारा है और बाकी तो जब आते रहिए जाते रहिए, आपको कुछ ना कुछ होगा। मैं राकेश जी को एक ही कहूँगा, सर एक मेरा गाना बहुत हिट हुआ हुआ है जो मैं इन बच्चों को तो सब मालूम है मगर आपके लिए भी गा देता हूँ। होठों पे बस तेरा नाम है, तुझे चाहना मेरा काम है, तेरे प्यार में पागल हूँ मैं सुबह शाम। वाइट फॉरेस्ट, आई लव यू, यू लव मी। तो राकेश जी, आप हमें इस तरीके से प्यार दीजिए और आप मीडिया से भी यही कहूँगा कि जिस तरीके से आप मेरा इंटरव्यू हर जगह देते हैं, इस लॉन्च के लिए भी सब जगह भेजिए कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आए और हमको सराहे राकेश जी के यहाँ आए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बड़ा सौभाग्य है कि उनका आशीर्वाद मिला, उन्होंने समय निकाल कर हमारे इस क्लब में इस सुंदर और अति सुंदर बनाने का कार्य जो किया हुआ, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ सर का। और आते रहे जब समय मिले सर, अपना समय दे हमें और आशीर्वाद देते रहे सर। थैंक यू सर, बहुत अच्छा है, डेकोरेशंस बहुत प्यारी है और ये सब लाइट्स वगैरह लैंप्स वगैरह बहुत प्यारे हैं, ये सब बैम्बूज जो है बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके। हाँ, बहुत एंजॉय करने वाले हैं यहाँ पे, खाना वाना खाएंगे, मस्ती वगैरह करेंगे। सबसे पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहता हूँ कि इतना बड़ा काफ़ी अच्छा लग रहा है देख के और काफ़ी इंटीरियर बहुत ही अच्छा किया गया। हम लोग बहुत क्लब्स घूमे, बहुत सारी चीज़ें देखी है, लेकिन ये बहुत ही मैसिव है और बहुत अच्छा बनाया गया, तो बस कॉन्ग्रेचुलेशन है सर को कि इतने अच्छे लेवल पे कर रहे हैं। और बस ये एक बहुत अच्छा लगा हम लोगों को कि हम लोग भी यहाँ पे वीडियोज बना सकते हैं। बिल्कुल ना सर, चाहेंगे सर, आप हमेशा आए हमारे लिए और हमारा सौभाग्य बढ़ा इधर आके। नहीं नहीं बिल्कुल, ये हम लोगों को काफ़ी अच्छा लगा कि हम लोग यहाँ पे वीडियोस बना सकते हैं और देखते हैं अभी थोड़ा बैठते हैं सर के साथ, उठते हैं देखते हैं खाते पीते हैं कैसा है, बाकी सारी डिटेल्स आप लोग को हम लोग चाहिए तो हमारे ब्लॉग्स के थ्रू भी दे देंगे, हमारे वीडियोस के थ्रू ही आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएंगे, यूट्यूब पे भी हम लोग दे देंगे। बाकी कॉन्ग्रेचुलेशन सर वापस से वंस मोर, और आप सब लोगों को थैंक यू कि आप लोगों ने इतना टाइम निकाला और यहाँ पे आया, धन्यवाद आप सब लोगों का। वेन्यू तो बहुत अच्छा है, बहुत सुपर्ब है, तो हम तो हमेशा आने का ट्राई करेंगे, तो आप लोग भी यहाँ पर आओ, एंजॉय करो, बाकी हम लोग प्रमोट करते रहेंगे। हाँ, जितना हमसे होगा। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लगा, एंट्री से लेके एग्जिट तक सब बेस्ट है और यहाँ पे जो अच्छे से डेकोरेट किया गया है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। आई होप कि ये बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हो, बड़ा बने और बहुत सारे लोग आए यहाँ पर, बॉलीवुड वाले भी आए, हम लोग भी आए और नॉर्मल पीपल भी आए यहाँ पे, तो आज का क्राउड भी यहाँ पे अच्छा है और आई होप कि फ्यूचर में बहुत ज़्यादा सक्सेस मिले।
आज व्हाइट फॉरेस्ट में कितना एंजॉय करने वाले हो? आज तो फुल ऑन एंजॉय, बहुत एंजॉय करने वाले भाई, तेरे साथ नाचूंगा मैं सच्ची। क्या पार्टी की बात की जाए, क्या यहाँ पे पार्टी भी करेंगे? नहीं यार, क्लब में आके हम लोग पार्टी थोड़ी करेंगे। मैंने डिसाइड किया यार, नहीं मैंने क्या डिसाइड किया, जो भी मेरा इन फ्यूचर जो प्रोजेक्ट्स आने वाला है वो प्रोजेक्ट का यहाँ पे ओपनिंग किया जाए, यहाँ पे लॉन्च किया जाए, ट्रेलर लॉन्च हो चाहे म्यूजिक वीडियो लॉन्च हो, कुछ भी हो यहाँ पे किया जाए, क्योंकि बहुत ही अच्छा लोकेशन है। मतलब जो एनवायरमेंट है यहाँ का अच्छा लगा मुझे। आने वाला कुछ नहीं है इसका, करने वाला हूँ मैं।